संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चीन और रूस कश्मीर के मुद्दे पर बट गए हैं। जहां चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने दोस्त पाकिस्तान का साथ देने के लिए अनौपचारिक चर्चा शुरू कर सकता है, वहीं भारत का पारंपरिक मित्र रूस परिषद में इस मुद्दे पर ऐसे किसी भी कदम को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन पाने पर नाकाम रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 14 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री सिंग लावरोंग से फोन पर बातचीत की है। रूस के एक जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान और रूस के बीच जम्मू कश्मीर में बदलते स्टेट्स को लेकर के चर्चा हुई। रूस ने तनाव खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सारे मतभेद द्विपक्षीय स्तर पर राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से सुलझाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रतिनिधित्व इसी रुख पर कायम रहेंगे। रूस ने पाकिस्तान को साफ कर दिया है कि कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाना होगा और संयुक्त राष्ट्र में इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 से 6 सितंबर को रूस के व्लादिवोस्टोक में होने वाली ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान भी भारत और रूस के एजेंडे में कश्मीर मुद्दा शामिल रहेगा। पिछले शनिवार को P5 का पहला देश था जिसने कश्मीर के मुद्दे को आंतरिक मुद्दा बताया था और साथ ही 1972 के शिमला समझौते की भी याद दिलाई थी। पारंपरिक तौर पर रूस ने हमेशा से कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है। शीत युद्ध काल के दौरान भी सोवियत संघ ने कश्मीर पर आए कई प्रस्ताव पर वीटो पावर कर दिया था। फिलहाल भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों के जरिए चीन को रोकने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय संघ के कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बताने के बाद इसके सदस्य देश भी भारत को समर्थन दे सकते हैं। पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर पर औपचारिक चर्चा शुरू करना आसान नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को अनौपचारिक तौर पर कश्मीर मुद्दे पर अपनी बातचीत रखने का मौका मिल सकता है। पिछले सप्ताह पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को किसी बिजनेस कैटेगरी में शामिल करने में असफल रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने खुद इस बात की स्वीकार की है, भारत की आर्थिक ताकत की वजह से पाकिस्तान के लिए समर्थन जुटाना बहुत मुश्किल होगा। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम भले ही इस्लाम के बारे में बात करते रहे हैं, लेकिन इस्लाम के संरक्षक देशों ने भारत में निवेश किया है और अपने आर्थिक हित वहां से जुटे हैं। पाक के पारंपरिक दोस्त यूएई ने भारत के कदमों को आंतरिक मुद्दा बताया है। वहीं सऊदी अरब ने हाल ही में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा समझौता किया है। शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत के दौरान कहा है कि क्या आपको कोई संदेह है, आपको किसी भुलावे के नहीं रखना चाहिए, पाकिस्तान के लोग और कश्मीर को इसमें अवगत होना चाहिए, हालत हमारे पक्ष में है।